नमस्कार। भागदौड़ भरी दुनिया में आप रह जाते हैं अपनी खबरों से दूर। आरपी की दौड़ में छिप जाती है आपके काम की खबर। ब्रेकिंग न्यूज में गायब हो जाती है मुद्दे की खबर। बात देश की राजनीति की हो या बढ़ते अपराध की, हम आप तक पहुंचाएंगे हर खबर, क्योंकि हर खबर से जुड़ा है आपका सरोकार। इसलिए देखते रहिए यूनिवर्सल न्यूज। दिल्ली के शालीमार बाग स्थित मैक्स हॉस्पिटल में जीवित बच्चे को मृत घोषित कर देने के मामले में पीड़ित परिजनों द्वारा मैक्स हॉस्पिटल के विरोध में लगातार प्रदर्शन करने के क्रम में इस बार पीड़ित परिजनों ने कैंडल मार्च निकाला। आपको बता दें कि विगत दिनों दिल्ली के शालीमार बाग स्थित मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने एक जिंदा बच्चे को मृत घोषित कर दिया था, जिसके बाद से ही परिजनों ने लगातार मैक्स हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के डॉक्टरों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किए। इसी फहरिस्त में बीते दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर विधानसभा तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस कैंडल मार्च के दौरान परिजनों ने अपनी कुछ मांगें भी रखी। परिजनों ने अपनी मांग में बताया कि वे चाहते हैं कि उनके बच्चे की याद में स्मारक बनाया जाए। इसके अलावा परिजनों ने कहा कि डॉक्टरों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। हमारे जो डॉक्टरों की लापरवाही से जो बच्चे मैच हॉस्पिटल जो मार दिए थे, उसके हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज हमने कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। और हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है, यही मांग करते हैं कि जो भी इसमें दोषी डॉक्टर हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, और जो हॉस्पिटल का लाइसेंस वो तुरंत रद्द करके उसको बंद करवाना चाहिए। और हमारे को जो ये बच्चे हमारे हैं इनको एक स्मारक के लिए जगह चाहिए। दरअसल विगत दिनों दिल्ली के शालीमार बाग स्थित मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही इस कदर देखने को मिली थी कि एक जिंदा बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया था। परिजनों को बच्चों के जिंदा होने की खबर तब लगी जब बच्चे को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे थे। इस दौरान बच्चे ने कुछ हरकत दिखाई। परिजनों ने आनन फानन में बच्चे को दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहाँ उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। यूनिवर्सल न्यूज़ के लिए दिल्ली से कमल कुमार गौतम की रिपोर्ट।